नमस्कार, सावित्री की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कच्चे आम से माने अमिया से इन्हें पकाएंगे, इनके आम बनाएंगे। जब हम किसी के लिए आम लेते हैं, अमिया खरीदते हैं अचार के लिए, या कभी हमारे यहाँ आ जाते हैं, सभी के यहाँ आते हैं, वो बच जाते हैं। तो देखिए वो बच जाते हैं, लेकिन वो अब हम इनका अचार नहीं रख सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम इन्हें पकाएंगे। इन्हें हम बिना केमिकल का आम बनाएंगे। केमिकल मार्केट में मिलते हैं, पर हम घर में इन्हें यूज नहीं करेंगे, वो मार्केट में ही होते हैं। हम इनका अब आम बनाएंगे इन्हें। तो फिर चलिए हम कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं। एक कार्टून लिया है मैंने। पहले होते थे घड़े, होते थे सभी के यहाँ घड़ों में अनाज में आम जो कच्ची कैरी आती थी उनको अनाज में दबाया जाता था और अनाज की गर्मी से वो पक जाते थे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कोई केमिकल नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। इसलिए मैंने पेपर यूज किया है न्यूज़पेपर, क्योंकि इस पेपर में जो इंक होती है तो इससे भी हम पकते हैं। तो हमने ये न्यूज़पेपर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे जो सभी के घर में मिलता है, नॉर्मल है प्याज, तो आप प्याज ले लें और प्याज डाल दें। प्याज डालेंगे, अब इसमें आपके पास जो भी आम हो वो आम आप इसमें रख दें, जैसे भी हो। तो देखिए मैंने ये आम रख दिए हैं। अब आपकी प्याज ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैंने इसमें 8 आम रखे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें हमें ऊपर से ढकना है ताकि ये गर्म रहे। तो न्यूज़पेपर ही हम लगा देंगे और हम इन्हें ढक देंगे, बंद कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने ये बंद कर दिया है। तो अब क्या होगा, इन्हें हम जहाँ गर्म जगह हो आपके घर में वहाँ रखें। तो मैं आपसे 3 से 4 दिन के बाद फिर से मिलती हूँ। देखिए आज ही 4th दिन है, तो हम आपको दिखाते हैं जो हम बिना केमिकल के कच्चे आम से आम पकाते हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे ये आम पक चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल पीला हो गया है। कुछ ऐसे हैं, इनमें अभी टाइम लगेगा, इन्हें हम 1 दिन के लिए और रख देते हैं। तो हम देखते हैं हमारे कितने आम पके हैं। तो देखिए 3 से 3 2 3 4 4 5 आम तो अच्छे से पक चुके हैं, और ये 3-4 और बचे हैं जिन्हें 1 दिन का टाइम लगेगा। तो इनको मैं दोबारा से इसी में रख दें। और देखिए हमारा प्याज भी ख़राब नहीं होता है, देखिए इसे आप यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो हम ये आम निकाल देते हैं और इनको दोबारा से रखते हैं। ये आम 3 से 4 दिन में पक के तैयार हो गए हैं, आप भी इसी तरह से पका लीजिए। अब हम लेंगे ये पके आम, देखिए बिना धुले आम है। यदि हम कच्ची कैरी को धुल देंगे तो वो ठंडी हो जाएंगे, तो वो पकेंगे नहीं। देखिए इनमें आम का जूस लगा है और ये मेरे घर के ही हैं, इनको तोड़ा था तो मैंने सोचा इन्हें हम आम बना लेते हैं। ये केमिकल फ्री है, तो इनको हम 3 से 4 घंटे तक पानी में छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऐसे रहे तो थोड़ा से सिंक हो गए हैं, ये चुपड़ सी गए हैं। जब पानी में डाल देंगे और गर्म भी हैं तो ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हम आपसे फिर से मिलते हैं। देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं और मैंने इन्हें अच्छे से साफ पानी से धुल भी लिया है। हम क्या करते हैं, अब हम इनको काटते हैं। जब भी मार्केट से आम आते हैं तो हम इनको क्यों पानी में डालते, पहले धुलते हैं क्योंकि वो ठंडे हो जाए। आपको दिखाते हैं ये आम बिना केमिकल का। देखिए कोई कहेगा कि ये आम घर पे आपने बनाया है, पकाया है इसे, इसको हम काटेंगे। देखिए मीठा है, खुशबू भी आ रही है। तो लीजिए ये आम हमारा तैयार हो गया है। ये हरा आम इसको भी काट लेते हैं, देखिए ऊपर से हरा है पर ये भी पक गया है। और ये मीठे आम में खुशबू आ रही है। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साइड में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें, और इसी तरह बिना केमिकल के आप आम पकाइए, खाइए और खिलाइए, खुश रहिए। थैंक यू।